छक्कों की बरसात यहां पर की श्रेयस अय्यर ने, और ऐसा लगा कि रोहित शर्मा और ईशान किशन का बदला लेते हुए दिखाई दिए यहां पर पिच पे बैटिंग करते वक्त। बात करें यहां पर श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी के बारे में, क्या कुछ किया है आज उन्होंने, ये तो हम आपको बताएंगे ही, पर पहले स्वागत है आपका क्रिकेट इन इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पे। बताना चाहूंगा कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका दूसरा टेस्ट मैच जो धर्मशाला में खेला जा रहा है, वहां पर टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंडिया ने ये जो फैसला किया बहुत ज्यादा उनके हक में जाता हुआ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वहां पर ओपनिंग बल्लेबाज को आउट नहीं कर पाए, जिसके बाद आखिरी के 5 ओवरों में 80 रन लुटाए टीम ने, जिसकी बदौलत 183 रन वहां पर श्रीलंकन खेमा बनाने में सक्षम रहा, और ये एक लक्ष्य जो 184 का वो दिखाई दिया भारतीय टीम को। पर इसी बीच एक बल्लेबाज कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया है, और कम में बम इस खिलाड़ी को कहा जा सकता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर पिछले मैच में 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे और 57 रन ठोके थे वहां पर उन्होंने, वहीं दूसरे मैच में भी कमाल करते हुए दिखाई दिए हैं और बॉलर्स को परेशान कर दिया है, और बॉलर्स बचने की कोशिश कर रहे हैं पर बचने का कोई यहां पर चांस नहीं दिया श्रेयस अय्यर ने, चारों दिशाओं में जो है मारते हुए दिखाई दिए हैं। जिम्मेदारी आज आ गई थी श्रेयस अय्यर के ऊपर, जहां रोहित शर्मा ईशान किशन थोड़ी दिक्कत परेशानियों में दिखाई दिए, ऐसा लग रहा था मानो कि श्रेयस अय्यर किसी और विकेट पर बल्लेबाजी कर रहे हो और रोहित शर्मा और ईशान किशन किसी और विकेट पर। जब जल्दी आउट हुई ये सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी, तब उसके बाद श्रेयस अय्यर के ऊपर थी पूरी जिम्मेदारी, और उन्होंने जिम्मेदारी को समझा और एक जल्दी अर्धशतक जो है वहां पर लगाया कम गेंदों में, जिसकी वजह से भारत एक बार फिर मजबूत स्थिति में आ गया मैच में। श्रेयस अय्यर की अगर बात की जाए तो काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस देते आए हैं, उनके नाम के ऊपर काफी लोग पहले कह रहे थे कि परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही, पर जब से बल्ला चलना शुरू हुआ है लोगों के मुंह यहां पर बंद करवा दिए हैं श्रेयस अय्यर ने। आपको बता दें कि इस पारी में उन्होंने 2 बैक टू बैक छक्के भी लगाए हैं, डाउन द ग्राउंड स्टेप आउट करके वहां पर खेला है गेंदबाज को, और ये बिल्कुल कहना उचित होगा कि यहां पर गेंदबाज से खिलवाड़ करते हुए दिखाई दिए हैं श्रेयस अय्यर अपनी पारी में। तो आपको क्या लगता है, यहां पर श्रेयस अय्यर ने विराट कोहली की जो कमी है उसे पूरा कर दिया है, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज जो है साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं श्रेयस अय्यर? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और श्रेयस अय्यर की इस बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे ये भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना है ताकि ऐसी और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मेरा नाम है सारांश, क्रिकेट इन इंडिया के इस यूट्यूब चैनल से शुक्रिया।